फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू TSM स्कूल, क्लास 11th, सब्जेक्ट फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर 14, ऑक्सीलेशन, जिसका पार्ट नंबर क्या है आपका 10. ओके, इसका टॉपिक क्या है आपका टनल थ्रू अर्थ. इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है टनल थ्रू अर्थ का, जो कि आपका क्या निकलेगा, टी इजिकल्स टू 2π रूट के अंदर आर अपॉन जी. इसे लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, जिसमें टी आपका क्या निकला था, टी इजिकल्स टू 2π रूट के अंदर आई अपॉन MgL. और सिंपल पेंडुलम का जो अपना निकला था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इजिकल्स टू 2π रूट के अंदर L अपॉन G. ठीक है, और SHM का टाइम पीरियड कितना होता है, टी इजिकल्स टू 2π रूट के अंदर M अपॉन K. ओके स्टूडेंट्स, टॉप वाले के लिए आई अपॉन K, सिंपल SHM के लिए M अपॉन K. और सिंपल पेंडुलम का आपका फॉर्मूला क्या निकला था, टी इजिकल्स टू 2π रूट के अंदर एल अपॉन जी. फिजिकल पेंडुलम का टी इजिकल्स टू 2π रूट के अंदर आई अपॉन MgL. अब आपका निकालेंगे हम आज टनल थ्रू अर्थ, जिसमें टी इजिकल्स टू क्या निकलेगा आपका 2π रूट के अंदर आर अपॉन जी. और इसकी लगभग जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 84.6 मिनट, जो उसका टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 84.6 मिनट. अब इसमें अपन दो वैल्यूज निकालेंगे टी का, एक तो आपका सेंटर पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो सेंटर पे है जो उस पर निकालेंगे, और एक सेंटर से थोड़ा दो टनल थ्रो, टनल यानी कि इस तरीके से हमें सुराग करनी है टनल, इस वाले अर्थ पे हमें टनल पे क्या निकालना है टाइम पीरियड, जो आपका कितना निकलता है टी इजिकल्स टू 2π रूट के अंदर आर अपॉन जी. सेंटर से थोड़ा दूर हटके अभी अगर हम इस टनल का निकालते हैं तो उसमें भी जो वैल्यू टी का निकलता है वो यही निकलता है. दोनों के लिए अपन ने आज डेरिवेशन किया है, देखिए किस तरीके से किया हमने. आपके वही 3 स्टेप्स फॉलो होंगे आपके, फाइंड मीन पोजीशन, फिर बॉडी को हल्का सा स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस करो फ्रॉम द मीन पोजीशन से, फिर थर्ड जो स्टेप होता है फाइंड नेट फोर्स फाइंड आउट करो. ठीक है, अब देखिए आपका इस तरीके से फिगर में देखिए आपका, ये हमने एक सर्कल लिया, इसके बीच में एक टनल हमने बनाई जिसका मास ऊपर हमने क्या है आपका मास m, और नीचे आपका mg से क्या हो रहा है, ये नीचे थ्रो हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी. ठीक है, और आते आते जहाँ ओ पॉइंट है वहाँ पे इसकी क्या हो जाता है वो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे f नेट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है यहाँ पे, यानी कि f नेट क्या हो जाता है ज़ीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है. लेकिन इसको कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है, तो वेलोसिटी के कारण ये क्या करता है ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे अपने ये क्या करेगा नीचे जाएगा, नीचे भी आपका mg जो लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन वो उसकी वेलोसिटी कारण वो नीचे जाएगा, और लेकिन उस वेलोसिटी से वो उसको क्या करेगा ऊपर अपनी ओर खींचेगा, यानी कि mg ऊपर की ओर लगेगा. तो आपका यहाँ पे f नेट इजिकल्स टू -kx होगा. f की वैल्यू क्या होती है, f नेट इजिकल्स टू -kx, और t का वैल्यू क्या होता है 2π रूट के अंदर m अपॉन k. वही आपको अपन को इस निकालना है, इसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. वही देखिए इसमें जो x है वो वेरी स्मॉल है आपका, O जो है वो आपकी मीन पोजीशन है, क्योंकि जो m आ रहा है वो यहाँ पे आते आते क्या हो गया ज़ीरो हो गया, एफ नेट फोर्स क्या हो गई ज़ीरो हो गई, फोर्स ज़ीरो हो गई, यानी कि z0 यानी कि आपका ये मेन पोजीशन पे आ गया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं क्या मिलती है यहाँ पे वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी किसको क्या करेगी ऊपर की ओर खींचेगी, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा mg, लेकिन यहाँ पे mg न लग के mg डैश होगा. अब देखिए ये mg डैश क्यों होगा, अब देखिए हमने साइड में एक फिगर और बना रखा है, r सर्कल बना रखा है, सर्कल के अंदर o और g डैश है. जो अर्थ की सरफेस पे जो g होता है वो आपका ज़ीरो होता है, लेकिन सरफेस से सर्कल के अंदर आने में जो जी होता है उसको क्या होता है डिग्रीज होता है, और सरफेस के बाहर जाने में भी जो उसका जी होता है वो क्या होता है वो भी डिग्रीज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो डी डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक नया जी आएगा जिसको हमने जी डैश बोला. डी डैश इजिकल्स टू क्या होगा जी आर अपॉन आर जो आपका वो रेडियस है. और जो हमने जो हमारा R है जो हमारा मेन फिगर है उसमें देखिए R की वैल्यू कितनी है हमारी x है, तो R की जगह हम x रखते हैं, तो g डैश कितना आएगा आपका जी एक्स अपॉन आर. SHM के लिए f नेट इजिकल्स टू क्या होता है माइनस क्या kx, और t की वैल्यू क्या होती है 2π रूट के अंदर m अपॉन k. इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है मीन पोजीशन, हमने निकाल ली, इसको हमने हल्का सा डिस्प्ले किया यानी कि मीन पोजीशन से इसको x पोजीशन पे हमने क्या किया डिस्प्लेस कर दिया, सेकेंड पॉइंट स्लाइटली डिस्प कर दिया. फिर अब स्टेप 3 में हमने क्या किया फाइंड आउट एफ नेट इजिकल्स टू क्या आपका mg डैश. ठीक है, mg डैश हमारा किसके इक्वल है mg डैश की वैल्यू हमने रखती है, g डैश की वैल्यू क्या है gx अपॉन
आर। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो एफ नेट इजिकल्स टू एम जी एक्स अपॉन आर। यहाँ से के की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, क्योंकि ये जो यहाँ पे एफ नेट होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस के के एक्स। तो यहाँ से माइनस के एक्स इजिकल्स टू माइनस के एम जी आर अपॉन एक्स। यहाँ से अगर के को हम कंपेयर करते हैं यहाँ, तो के की वैल्यू क्या निकलती है आपकी, एम जी अपॉन आर। ओके, तो यहाँ जो टाइम पीरियड आएगा टी इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, तो टी इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, के की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे एम जी और आर कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, एम से एम आपका कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा आर अपॉन जी। तो टी इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर आर अपॉन जी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.4 × 10⁶, और जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 m/s². इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या फाइंड आउट के निकल के आएगी, एक्सप्रॉक्सीमेट 84.6 मिनट। ओके, तो अपने टनल थ्रू अर्थ पे हमने टी का वैल्यू क्या निकाला, टी इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर आर अपॉन जी। ठीक है, हमने इसमें देखिए आपका जो डी डैश होगा वो चेंज होगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि जी सरफेस के अंदर या बाहर जाएगा तो वहाँ पे जी डैश क्या होता है, चेंज होता है, जिसको हमने जी डैश दे दिया, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी जी आर अपॉन कैपिटल आर, जहाँ कैपिटल आर का है आपका रेडियस। ओके, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट अपन फॉलो करते हैं मीन पोजीशन पे आपका, यहाँ पे जी जीरो है, जी जीरो यानी एफ 40 होगी, 40 होगी यानी कि मीन पोजीशन पे है आपका, तो मीन पोजीशन पे एफ नेट क्या हो जाता है, एफ जीरो कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, स्लाइटली डिस्प्लेस किया हमने मेन पोजीशन से इसको, कितना किया हमने, एक्स डिस्प्लेस कर दिया। थर्ड स्टेप हम इसको एफ नेट इजिकल्स टू किसके लिए आते हैं, माइनस के एक्स के। तो यहाँ पे जो एम जी डैश आएगा, एम जी डैश यानी कि एम, और जी डैश की वैल्यू हमने कितनी निकाली, जी एक्स अपॉन आर, जी आर अपॉन आर है, यहाँ आर जो है वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, फिर हमने कंपेयर किया तो के की वैल्यू अपनी कितनी आई, एम जी अपॉन आर, तो टी इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, टी इजिकल्स टू टू पाई एम जी अपॉन एम आर अपॉन एम अपॉन एम जी, जो आर है वो ऊपर पहुंच गया, एम से एम कट, आपका टी इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर आर अपॉन जी। आर की वैल्यू 6.4 × 10⁶, जी की वैल्यू 9.8 m/s², और जो टी निकलेगा अप्रोक्सीमेट, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टी का वैल्यू कितना निकलेगा, 84.6 मिनट, जो कि हमने सबसे सबसे ऊपर पॉइंट में आपके लिखा था कि टी का वैल्यू 2π√ के अंदर आ रहा पहुँच जी, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 84.6 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने निकाला सेंटर पे, अब हम निकालेंगे टनल थ्रो अर्थ सेंटर से थोड़ा दूर। अब सेंटर से थोड़ा दूर हमने इसको टनल किया, इसको जहाँ मास आपका एम है, ये एंगल थीटा से क्या हुआ, डिस्प्ले हुआ। ठीक है, आप देखिए आपकी इसकी जो मेन पोजीशन है जहाँ 90 डिग्री एंगल बना रखा है वो, उसका यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा इसका क्या बनेगा, एम जी कॉस थीटा। आप देखिए थीटा धीरे धीरे डिस्प्लेस होगा, नीचे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री यानी कि कॉस 90, कॉस 90 यानी कि 0, यानी कि 0 आपकी वैल्यू आ गई, तो यानी कि कौन सी पोजीशन होगी आपकी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर ये और थीटा हल्का हल्का शिफ्ट होगा, तो नीचे क्या बनेगा, डॉट डॉट होते हुए थीटा एंगल फिर बनाएगा, यहाँ से फिर आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स क्या आपकी एम जी। सेंटर पे जो जीरो जी होता है वो आपका जी जीरो होता है, सेंटर पे जी जीरो होता है, लेकिन यहाँ अपना जी जीरो नहीं होगा, इसलिए इसका क्या होगा, एम जी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी जी क्या होगा आपका, चेंज होगा, वही आपकी कंडीशन है मेन, जी चेंज होगा, जी चेंज होगा, तो जी डैश इजिकल्स टू जी आर अपॉन आर। लेकिन इसमें जो आपका जी आर अपॉन आर है, आर आपका आर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए आपका, फिर हमने आपका ये दूसरा फिगर बनाया हुआ है, आपका आर डिस्टेंस है, ओ एंगल है, यहाँ से जो फोर्स लग रही है वो एम जी डैश, एम जी डैश की वैल्यू कितनी है, जी आर अपॉन आर। ठीक है ना, और जो सेंटर पे आप ये जो पॉइंट जहाँ एक्स लिख रखा है, जहाँ पॉइंट पॉइंट डार्क कलर का रखा रखा है, वो यानी कि एम जी कॉस थीटा से आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया एक्स, फिर आपने क्या निकाला, एफ नेट यानी कि एम जी कॉस थीटा, एम जी डैश कॉस थीटा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। तो जो हमने ऊपर लिख रखा था ना एम जी कॉस थीटा, तो आपका क्या बनेगा, एम जी डैश कॉस थीटा, और जी डैश की वैल्यू कितनी निकाली हमने, जी आर अपॉन आर, तो एम जी आर अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक है, तो एम जी आर अपॉन आर कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम इस फिगर से निकालते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है, एक्स, और जो हाइपोटेनियस है वो आपका आर है। तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर, आर हमने लिखा नहीं है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से एफ नेट इज इक्वल्स टू एम जी आर अपॉन आर, क्योंकि इसमें आर आपका आर ही रहेगा, एक्स आपका अभी क्या है, बेस है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रखी तो कितनी आई अपनी, एक्स अपॉन आर, वो हमने रखा, आर से आर आपका कट गया, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या आया, एम जी एक्स अपॉन आर। अब इसको हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम वेक्टर से देखें तो फोर्स और आपका क्या लगता है, तो दोनों ही क्या है आपके, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है ना, एक्स और फोर्स आपके एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो माइनस के एम जी एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो एम जी एक्स अपॉन आर को अगर एफ नेट की जगह माइनस के एक्स रखते हैं, तो माइनस के एक्स इजिकल्स टू एम जी एक्स अपॉन आर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। यहाँ से अगर के की वैल्यू अगर कंपेयर करते हैं तो के की वैल्यू आपकी क्या निकल के आती है, एम जी अपॉन आर। वेक्टर के मैंने माइनस साइन क्यों आया, वेक्टर के अगर फॉर्म से देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट है तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। फिर एफ नेट की जगह हमने माइनस के एक्स रखा, तो माइनस एम जी एक्स अपॉन आर, माइनस से माइनस कट गया। अगर यहाँ से हम के की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो के की वैल्यू क्या निकल के आती है अपन की, एम जी अपॉन आर। अब टी का जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, टी इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, तो इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, के की वैल्यू अपनी क्या निकली, एम जी, और आर कहाँ पहुँच गया, ऊपर, एम से एम कट गया, तो यहाँ भी टी का वैल्यू क्या निकला, टू पाई रूट के अंदर आर अपॉन जी, यानी कि सेंटर पे और सेंटर से भी थोड़ा दूर। अगर वहाँ आपका टाइम पीरियड निकलता है टनल वाला, टनल थ्रो अर्थ, दोनों में ही आपका जो टाइम पीरियड निकलता है वो आपका टी इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर, आप किसी भी पॉइंट में वर्टिकली निकालते हैं, सेंटर पे निकालते हैं, या सेंटर से थोड़ा साइड पे निकालते हैं, नीचे निकालते हैं, तो टनल थ्रो अर्थ का जो टाइम पीरियड आता है वो हर पॉइंट पे आपका सेम ही आता है, टी इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर आर अपॉन जी, जहाँ आर का वैल्यू हमारा कितना था, 6.4 × 10⁶, और जी का वैल्यू हमारा कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टी का वैल्यू हमारा कितना निकलता है, 84.6 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो टनल थ्रो अर्थ पे जो अगर अपन कहीं भी निकालें, सेंटर पे, सेंटर से दूर, थोड़ा दूर नीचे कॉर्ड में, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड का वैल्यू आता है वो टी इजिकल्स टू टू पाई रूट के अंदर आर अपॉन जी आता है। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को भी हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके।